स्टार्ट करते हैं आज क्लास. गुड इवनिंग एवरीवन. देखिए आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो कहीं से हमारे स्टेज का हमारे लेवल का नहीं है. हम लोग टैक्स की समझ बड़ी कम रखते हैं, ठीक है. और मैं जिन स्टूडेंट्स को भी पढ़ा रहा हूँ वो क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है. बट ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ ये फिर फ्यूचर में रेफरेंस के लिए सारे ही स्टडीज के, मतलब चाहे कॉमर्स में 11th हो, 12th हो, CA कर रहे हों स्टूडेंट्स, कुछ भी कर रहे हों, सबके लिए यूजफुल होगा. आज मैं आप लोगों को ऐसा एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ जो कि सबके लिए डर का टॉपिक होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, GST, ठीक है. हम लोग बेसिकली गुड्स एंड सर्विस टैक्स के लॉ को कम पढ़ेंगे. हम जो मेनली जो कि हमको कंसेप्ट पढ़ना है वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंट्स, है ना, कैसे उसकी अकाउंटिंग एंट्रीज होती हैं. जैसे CA CS के स्टूडेंट्स के करिकुलम में मेनली लॉ है, ठीक है. They are also not very well aware about the accounting treatments of GST. तो आप लोग जो क्लास 11th में अभी सीख रहे हैं ना CBSE में, CBSE ने जो आप लोगों को सिखाया, CSE बोर्ड ने जो आप लोगों को अभी सिखाया क्लास 11th में, GST के रूप में, वो एक बहुत ही वेलकम और बहुत ही अच्छा चेंज है. पहले कलकलम में नहीं हुआ करता था, आप लोग को पता होना चाहिए कि ये लास्ट ईयर ही इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है. बहुत ही अच्छा एक चेंज है GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऐसा एक चेंज है जिसकी अकाउंटिंग हमें जरूर से आनी चाहिए, ठीक है. तो हम लोग गुड्स एंड सर्विस टैक्स की अकाउंटिंग सीखेंगे. मगर जैसा कि होता है कि कोई भी अकाउंटिंग सीखने से पहले हम उसके बेसिक लॉ के बारे में थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, ठीक है. जैसे इंडिया में आपको पता होगा दो काइंड के टैक्सेस लगाए जाते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स. टैक्सेस दो काइंड के, एक होता है आपका डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स हम लोग किसको कहते हैं? डायरेक्ट टैक्स हम लोग ऐसे टैक्स को कहते हैं द बर्डन ऑफ विच कैन नॉट बी शिफ्टेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है द बर्डन of which can be shifted from one person to another. इसका मतलब समझिएगा क्या होता है. डायरेक्ट टैक्स का मतलब जिसका बर्डन हम लोग शिफ्ट नहीं कर सकते, और इनडायरेक्ट टैक्स जिसका बर्डन हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं दूसरे पर्सन पर. इसका मतलब क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट ने मेरे ऊपर में डायरेक्ट टैक्स लगा दिया तो ये डायरेक्ट टैक्स का पैसा मुझे अपनी खुद की पॉकेट से पे करना है. मगर अगर गवर्नमेंट ने मेरे ऊपर में इनडायरेक्ट टैक्स इम्पोज किया, कौन सा टैक्स, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स का जो भी बर्डन है मैं अपने ऊपर नहीं लेकर के इसको किसी और के ऊपर में शिफ्ट कर सकता हूं. मतलब मैं पैसा किसी और से लूंगा और लेकर के सरकार को पे कर दूंगा. इनडायरेक्ट टैक्स का सिंपल सा कंसेप्ट ये होता है कि इनडायरेक्ट टैक्स जिस पर लगाया जाता है वो अपनी खुद के पॉकेट से पे नहीं करता, वो दूसरे से लेता है और दूसरे से लेकर के सरकार को, गवर्नमेंट को पे कर देता है इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है. इंडिया में जो डायरेक्ट टैक्स मेनली है वो है इनकम टैक्स, जो कि आप अपनी इनकम पर टैक्स पे करते हैं. एक टैक्स और हुआ करता था वेल्थ टैक्स. क्या हुआ करता था? जैसे इनकम टैक्स हम लोग अपनी इनकम के ऊपर में टैक्स देते हैं. जैसे मैंने अगर साल भर में 10 लाख रुपए कमाया तो सरकार ने सपोज करो कि मेरे ऊपर में 10% का टैक्स लगा दिया, मतलब मुझे 1 लाख रुपए अपनी इनकम में से टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा. वेल्थ टैक्स क्या होता है? हमारी जो भी वेल्थ होती है उसके ऊपर में हमें टैक्स पे करना पड़ता है. ये क्या कहलाता है हमारे लिए? वेल्थ टैक्स. जैसे मेरे पास में गाड़ी है, बंगला है,
पैसा है इसके ऊपर में सरकार मेरे से क्या कहती है, आप वेल्थ टैक्स पे करिए हमें, ठीक है। ज्वेलरी है मेरे पास में, गवर्नमेंट क्या कहेगी मेरे से, आप वेल्थ टैक्स पे करिए। इसका बर्डन मैं किसी और से शिफ्ट नहीं कर सकता, मैं आपसे पैसा लेकर के नहीं दूंगा, मुझे अपनी वेल्थ पर खुद से सरकार को टैक्स पे करना पड़ेगा। हालांकि गवर्नमेंट ने इसको कई साल पहले वेल्थ टैक्स को एबॉलिश कर दिया था, हटा दिया था। सरकार का सीधा सा लॉजिक ये था कि जो लोग इनकम कमाते हैं इनकम पर टैक्स देते हैं, उसी से वेल्थ कमाते हैं वेल्थ पर भी टैक्स देते हैं, तो देर इज डबल टैक्सेशन एंड देर फॉर गवर्नमेंट हैज रिमूव्ड वेल्थ टैक्स। सरकार ने कैसे रिमूव कर दिया था, कई समय पहले, आज भी डायरेक्ट टैक्स के रूप में सिर्फ इनकम टैक्स ही लगता है। सिर्फ क्या लगता है, इनकम टैक्स, ठीक है। अब हम लोग इस इनडायरेक्ट टैक्स पर आ रहे हैं, क्योंकि जीएसटी भी हमारा एक इनडायरेक्ट टैक्स ही है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या हुआ, जिसका बर्डन हम लोग किसी और पर शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस बिफोर जीएसटी अगर हम लोग बात करें, तो जो इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए जाते थे वो कुछ ऐसे थे। एक आपका था एक्साइज ड्यूटी, क्या था, एक्साइज ड्यूटी। दूसरा था आपका सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स। फिर हमारा था वैल्यू एडेड टैक्स, फिर एक हमारा था सर्विस टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, कस्टम। मैं आप लोगों को जैसे बताता हूं ये अलग अलग टैक्सेस कैसे करके लगाए जाते थे बिफोर जीएसटी। एक्साइज ड्यूटी क्या हो गया, एक्साइज ड्यूटी। ये एक्साइज ड्यूटी किस पर लगाया जाता है, ये एक्साइज ड्यूटी गवर्नमेंट गुड्स के मैन्युफैक्चर पर लगाती थी। किस पर लगाती थी, जैसे मैंने कोई सामान प्रोड्यूस किया, मैन्युफैक्चर किया, तो फिर उस मैन्युफैक्चर पर सरकार क्या लगा देगी, एक्साइज ड्यूटी। क्या लगा देगी गवर्नमेंट, सेंट्रल सेल्स टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स दोनों ही सामान को बेचने पर लगाया जाता था। किस पर लगाया जाता था, सामान को सेल करने पर, बेचने पर क्या लगाते थे हम लोग, सेंट्रल सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड, दोनों ही सामान को बेचने पर लगाया जाता था। सेंट्रल सेल्स टैक्स हमारा जब भी कोई इंटर स्टेट सप्लाई होता था उस पर लगाया जाता था। वैल्यू एडेड टैक्स हमारा इंट्रा स्टेट सप्लाई पे लगाया जाता था, जैसे इंट्रा स्टेट सेल पे लगाया जाता था। जैसे एक एग्जांपल समझिएगा, सेंट्रल सेल्स टैक्स सामान के सेल पे लगाया जाएगा, मगर जब हम सामान दूसरे स्टेट में बेचेंगे तो फिर सेंट्रल सेल्स टैक्स लगाएंगे, जब हम विद इन द स्टेट सामान बेचेंगे तो फिर वैल्यू एडेड टैक्स वैट लगाएंगे। जैसे मैं यूपी का हूं, मैं दूसरे यूपी के ही भैया या दीदी को बेच रहा हूं सामान, तो फिर मैं क्या लगाऊंगा, वैट। मगर अगर मैं किसी दिल्ली के पर्सन को बेच रहा हूं सामान, तो फिर क्या लगाएंगे, सेंट्रल सेल्स। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, वैट कब लगेगा आपका, जब विद इन द स्टेट सेल ऑफ गुड्स होगा। सेंट्रल सेल्स टैक्स कब लगेगा आपका, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल होगा, तो फिर क्या लगता है आपका, सेंट्रल सेल्स टैक्स, ठीक है। फिर आपका लगता था सर्विस टैक्स। जैसे मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि मैं कुछ बेचता नहीं, आई एम प्रोवाइडिंग यू सर्विसेस, आई एम अ सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। तो मैं आप लोगों से सर्विस टैक्स कलेक्ट करता था जीएसटी के पहले, मैं आप लोगों से क्या लूंगा, सपोज करो आई एम चार्जिंग फीस 10,000 रुपीज फ्रॉम यू, गवर्नमेंट ने अगर मेरे ऊपर में सर्विस टैक्स 10% का लगा के रखा है, तो मैं आपसे 10,000 रुपए नहीं, फिर मैं आपसे 11,000 रुपए लूंगा। कितना लूंगा, 11,000, क्योंकि 10,000 का 10% 1,000 ऐड करके मैंने 11,000 रुपीस आपसे कलेक्ट कर लिया। ये 10,000 मेरी फीस हो गई, 1,000 मैंने दे दिया गवर्नमेंट को, इसको मैंने पे कर दिया है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, तो इसीलिए देखो हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन मेरे ऊपर नहीं आ रहा, बर्डन आपके ऊपर है, इसके बर्डन को हमने शिफ्ट कर दिया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। फिर नेक्स्ट हमारा टैक्स हुआ करता था एंटरटेनमेंट टैक्स। जैसे आप लोग मूवी भी जाते हैं तो फिर उस पर एंटरटेनमेंट टैक्स लगता है, क्लियर, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। कस्टम ड्यूटी हमारा गुड्स को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने पर लगता है, गुड्स के क्या लगता है, बात क्लियर है। बट आफ्टर जीएसटी हुआ क्या, आफ्टर जीएसटी हुआ क्या,
all taxes, all taxes got merged in GST except custom. जितने भी taxes थे सारे के सारे taxes को GST के अंदर में merge कर दिया गया. Custom duty आज भी लगाया जाता है. Custom duty किस पर लगाया जाता है? Goods के import और clear है? ठीक. तो आप लोग इतना थोड़ा सा एक बार note करेंगे. Please be a bit fast. Okay? चलिए फिर आगे अपने डिस्कशन को बढ़ाते हैं. सर ये जीएसटी ने बहुत से लोगों को परेशान किया ऐसा हम लोगों ने सुना है. सर क्यों आया जीएसटी, क्या कारण था कि सरकार को जीएसटी लेकर के आना पड़ा? आप लोगों को पता होना चाहिए कि जीएसटी इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मेजर चेंजेस, मेजर अमेंडमेंट्स इन द इंडियन हिस्ट्री. सबसे बड़े बदलाव में से एक जीएसटी को माना जाता है. ठीक है, आप लोग देख रहे हैं कि इतने सारे टैक्स लॉज को जीएसटी ने अपने में मर्ज कर लिया.
इसके पहले इतने सारे टैक्स लॉस हुआ करते थे, इतने सारे टैक्स लॉस को जीएसटी ने मर्ज कर दिया, तो जरूर कुछ ना कुछ एडवांटेज रहा होगा, तभी सरकार इतना उथल पुथल की, वरना ऐसे तो करती नहीं। समझ में आ रहा कि नहीं? ये बेनिफिट देखने के लिए, इस बात को समझने के लिए हमको थोड़ा सा पास्ट की हिस्ट्री को समझना पड़ेगा, ठीक है? इसके लिए हम लोग एक काम करेंगे, एक एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल के थ्रू इस बात को समझेंगे, ठीक है? मैं यहाँ पर चार स्टूडेंट्स को बाद में बुलाऊंगा, अभी मैं काम करता हूँ, एक एक करके स्टूडेंट्स को अलॉट करता हूँ। जैसे मैंने कहा कि फहीम विल बी मैन्युफैक्चरर फॉर मी, हरि ओम। अच्छा रियोम, रियोम इज बेसिकली होलसेलर, अभिषेक, आशुतोष, आशुतोष इज बेसिकली रिटेलर, ठीक। और अगले बाटी का नाम शुभम, बेसिकली कंस्यूमर या कस्टमर, ठीक। आप सुनिए ध्यान से, यहां पर मैन्युफैक्चरर सामान बनाएगा, बना करके होलसेलर को बेचेगा, होलसेलर फिर उस सामान को रिटेलर को बेचेगा, और रिटेलर फाइनली उस सामान किसको बेच देगा, फिर कस्टमर को, ठीक है। कुछ बात को और पहले समझ लेते हैं। होलसेलर ने जो गुड्स को प्रोड्यूस किया, गुड्स को जो मैन्युफैक्चर किया, उसकी मैन्युफैक्चरिंग की प्राइस थी 100 रुपए। कितनी प्राइस थी? 100 रुपए। मतलब इसको प्रॉफिट ऑफिट लेकर के सब कुछ चीजों का मिला करके उसको कितना चाहिए? 100। ये होलसेलर प्रॉफिट चाहता है 20 रुपए का। कितने रुपए का प्रॉफिट चाहता है? रिटेलर मेरा प्रॉफिट चाहता है 30 रुपए का, ठीक है। कस्टमर तो भैया बस सामान चाहेगा, और क्या चाह सकता है, ठीक है। अब हम यहां पर जो भी टैक्स कंसिडर करेंगे, जो भी टैक्स कंसीडर करेंगे उसका रेट होगा 10%। क्या रेट होगा उसका? 10%। ठीक है। अब सबसे पहले समझते हैं, जैसे हम लोग जीएसटी को पहले समझना चाह रहे थे, जीएसटी के भी पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज आता है इंडियन लॉ हिस्ट्री में, इंडियन टैक्स सिस्टम में, वो था वैट, वैल्यू एडेड, उसकी भी पहले जाते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स के ही पहले जाते हैं। वैल्यू एडेड टैक्स के पहले क्या होता था कि इंडिया में सिर्फ एक ही टैक्स लगता था, जिसको हम लोग कहते थे सेल्स टैक्स। क्या कहते थे हम लोग उसको? उसमें सेंट्रल सेल्स टैक्स नहीं कहते थे उसको हम लोग, सेल्स टैक्स। चाहे वो इंटर स्टेट सप्लाई हो, चाहे वो इंट्रा स्टेट सेल हो, चाहे वो इंटर स्टेट सेल हो, चाहे वो इंट्रा स्टेट सेल हो, दोनों पर ही सेल्स टैक्स लगता था। क्या लगता था? और अभी हम सब जगह पर रेट एस्यूम करने वाले हैं टू बी 10%, ठीक है। अब मैं अपने चारों ही लोगों को बुलाता हूं, आओ तुम लोगों को पैसा भी देते हैं, बाद में हम छीन मिलेंगे, ये एक्सपेक्ट मत करना कि हम पैसा छोड़ देंगे तुम लोगों के पास। तुम कौन हो? तुम सामान ऐसे ही बनाना। तुम्हारा क्या रोल था? होलसेलर। तुम्हारे पास में है 110 रुपए। तुम कौन हो? रिटेलर। पैसा गिनो कितना है, पूरा गिनो खोल करके। ये पैसा सब आप लोगों को वापस करना है ईमानदारी से। तुम्हारे पास कितना है? पैसा गिनो कितना है। तो देखिए हटिए एक सेकंड, रियोम के पास है, रियोम के पास जो पैसा है वो याद रखिएगा, रियोम के पास जो पैसा है वो है 110। कहीं ये लोग बीमारी ना करें, इस बात को हम लिख लेते हैं। आशुतोष को हमने कितना पैसा दिया है? 143। और शुभम तुम्हें कितना पैसा दिया है?
शुभम सबसे ज्यादा पैसे वाला है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, सेल्स टैक्स के समय होता क्या था, ये मैन्युफैक्चरर कोई सामान बनाएगा, ठीक है। लेट्स से इसने ये डस्टर बनाया, ठीक है, आज वो मैन्युफैक्चरर आके थोड़ा सा, इसने ये डस्टर बनाया, डस्टर मैन्युफैक्चर किया, ठीक है। ये डस्टर मैन्युफैक्चर करके अब ये होलसेलर को बेचेगा, किसको बेचेगा, ठीक है। यहां पर ये मैन्युफैक्चरर, ये होलसेलर, ये रिटेलर, कस्टमर और हम गवर्नमेंट हैं, हम सरकार हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसने ये गुड्स मैन्युफैक्चर किया, पकड़ो अपना सामान, कितने का बनाया सामान, 100। सरकार ने इस पर टैक्स क्रेडिट कितना लगाया है, 10%। तो अब तुम जब सामान बेचोगे तो कितना पैसा लोगे, 110। सामान को बेच दो, 110 रुपया ले लो, पॉकेट में मत रखो, 10 रुपया इसमें किसका है, 10 रुपया दो गवर्नमेंट को, ठीक है। सब वापस ले लेंगे नालायक, टेंशन मत लो, कैमरे पर सब आ रहा है, ठीक है। अब सामान तुम्हारे पास है, अब तुमको किसको बेचना है, रिटेलर को, ध्यान समझिएगा। अब इसको सामान बेचना है किसको, इसने खरीदा कितने का, 110। इसको प्रॉफिट कितना चाहिए था, तो ये 20 रुपए, 20% नहीं मैंने लिखा है, 20 रुपए, 20 रुपीज, ठीक है। तो ये 110 प्लस 20 रुपीज का प्रॉफिट ऐड करेगा, 130 रुपीज का सामान बेचेगा, प्लस साथ साथ में प्लस टैक्स भी लगाएगा। टैक्स अभी हम लोग क्या लगा रहे हैं, सेल्स टैक्स, क्या टैक्स लगा रहे हैं हम लोग, ये सेल्स टैक्स आगे इस बंदे से कलेक्ट करेगा। मतलब अब तुम कितना पैसा लोगे, 143, कितना लोगे, अब 143 इससे लो, पैसा गिन लेना, देखो 3 रुपया बेईमानी खरीद दिया था, तुम ऐसा करोगे 3 रुपए के लिए हम सोचे नहीं थे, किसी दूसरे को अगली बार से खड़ा करेंगे। तुमको कितना मिला पैसा, 143 गिन लिए हो, 13 रुपए किसका है, 13 रुपए गवर्नमेंट का है, मेरे पास में देखो 13 रुपए आ गया या नहीं आ गया, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, इसके पास में 20 रुपए का प्रॉफिट आ गया, आ गया कि नहीं, इसके पास में पहले से देखो गिनो, तुम्हारे पास में पहले कितना रुपया था, 110, आज की डेट में कितना रुपया बचा है, 130, ठीक है। फिर अब आप बताओ, अब आपको सामान बेचना है, आपने कितने का सामान खरीदा है, 143, कितने का सामान खरीदा है, 30 रुपीज प्रॉफिट ऐड करो, 30 रुपीज का प्रॉफिट ऐड करना था, कितने का सामान हो गया, 173 का सामान अब आपको इनको बेचना है, ठीक है। मगर इस पे 10% सेल्स टैक्स भी लगाओगे, और कितने रुपीज का बेचोगे, 17 रुपीज का टैक्स लगा, तो फिर 190 का बन गया, 190 रुपीज आप इनसे कलेक्ट करो, ठीक है। अब इस 190 रुपीज में 17 रुपए गवर्नमेंट का है, ठीक है, सेल्स टैक्स दे दो, 17 रुपए मुझे वापस कर दो, ये देखो 20 रुपया दिया, इसको हमने 3 रुपया वापस कर दिया, क्या हिसाब बराबर हो गया, बस समझ में आ रहा है। अब देखिए हुआ क्या, तुमको 30 रुपया बचा होगा, देखो पहले तुम्हारे पास में 143 था, कितना था, 143, इसको हमने 143 रुपीस दिया था, अब इसके पास में देखो कितना बचा हुआ है, 173। मतलब इसने अपने सामान का दाम ले लिया, प्रॉफिट मिला करके इसने अपना प्रॉफिट ले लिया 20 रुपए का, इसने अपना प्रॉफिट ले लिया, इसकी पॉकेट खाली हो गई, इसने पैसे कितना दिया, 170। समझ में आ रहा है, ये होता था सिस्टम हमारे सेल्स टैक्स में, क्या होता सिस्टम हमारे। अभी देखिए इस सिस्टम में एक बहुत बड़ा मिस्टेक ये रहा, हुआ क्या कि इसने जब सामान इसको 100 रुपए का बेचा, इस पे 10% का इसने सेल्स टैक्स लगाया, सामान की वैल्यू हो गई 110, ठीक है। इसने अपना प्रॉफिट ऐड किया 20 रुपए का, कितने का प्रॉफिट ऐड किया, 20। अब सामान की वैल्यू हो गया 130, और आगे फिर 130 रुपए का सामान इसने फर्दर टैक्स ऐड करके 143 रुपीस में बेच दिया, ठीक है। मगर जी बिल्कुल सही आपने पकड़ा, यहां पर 100 रुपया तो सामान की वैल्यू थी, 20 रुपया तो प्रॉफिट था, 10 रुपए पर भी टैक्स लगा। यहां पर जो सेकेंड स्टेज में इन्होंने 130 रुपीस पर टैक्स लगाया, उस 130 रुपीस पर जो टैक्स लगाया, देखो वो कैसे लगाया, 100 रुपया सामान का था,
10 रुपया टैक्स का हो गया और 20 रुपया आप देख रहे हो हुआ क्या, इन्होंने टैक्स पे टैक्स लगाया। कुछ बात समझ में आ रहा है कि नहीं? एक तरीके से टैक्स का बर्डन इन्होंने ट्रांसफर तो कर दिया आगे, मगर ये टैक्स का बर्डन कहीं ना कहीं पर इन्होंने भी सहा, इस बात को मजबूर हुए, कहीं ना कहीं पर टैक्स इनके प्राइस में इंक्लूड हो गया। अब अगर ये सामान 100 रुपए का खरीद रहे, उस पर 10 रुपए टैक्स दे रहे हैं, तो ये कभी भी सामान 110 रुपए से कम का नहीं बेच सकते हैं, क्योंकि 10 रुपए जो कि ये टैक्स के नाम का भी दे रहे हैं, वो इनके लिए एक तरीके से क्या हो गया है, कॉस्ट। क्या हो गया है वो? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिए, यहां पर गवर्नमेंट ने इस सिस्टम को थोड़ा सा चेंज करने के लिए एक बहुत ही वेलकम मूव लेकर के आया था, वो था वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। ये वैल्यू एडेड टैक्स में सरकार ने क्या किया, वैल्यू एडेड टैक्स में सरकार ने क्या किया, गवर्नमेंट जो भी पहले टैक्सेस आपने पे किया है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको अलाउ करेगी। क्या अलाउ करेगी? जो भी टैक्सेस आपने अर्लियर स्टेज में पे किया है उसका इनपुट टैक्स रेट आपको अलाउ करेगी। मतलब जैसे ये 10 रुपए का टैक्स इनको पे किए, इन्होंने सरकार को पे कर दिया, ठीक है, अब ये 10 रुपए का इनको इनपुट टैक्स रेट मिलेगा। क्या मिलेगा? सर, ये इनपुट टैक्स रेट होगा क्या? ये इनपुट टैक्स रेट ये अपनी टैक्स की लायबिलिटी से एडजस्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? किससे? टैक्स की, आउटपुट टैक्स की लायबिलिटी से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे इन्होंने इनसे लिया 13 रुपए, तो 13 रुपए लेकर के इनको मुझे 13 रुपए देना था, मगर मैंने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया, यहां पर 10 रुपए का इनपुट टैक्स अलाउ कर दिया। कितने रुपीज का इनपुट टैक्स अलाउ कर दिया? तो अब यहां पर ये मुझे पूरा 13 रुपए नहीं देंगे, 13 माइनस 10। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक, अब ध्यान से सुनिए। फिर वैसे ही करके इन्होंने भी मुझे कुछ टैक्स दिया था, उसका भी इनपुट टैक्स इनको मिलेगा। इन्होंने भी जो टैक्स, सॉरी, अब ये तो देखिए इनको बेच रहे हैं फाइनली कंस्यूमर को, फाइनल जब सामान कंस्यूमर को आ रहा है, कंस्यूमर तो उसको खुद यूज कर लेगा, उसको बेचना तो है नहीं, तो अल्टीमेट बर्डन किसके ऊपर जाएगा? बात समझ में आ रहा है? इनडायरेक्ट टैक्स हमारा होना ही ऐसा चाहिए जिसका अल्टीमेट बर्डन कौन बियर करे, अल्टीमेट बर्डन मस्ट बी बॉर्न बाय, ठीक है। अब एक बार हम लोग और एग्जांपल को फिर से करेंगे, मगर यहां पर इस बार वैट के साथ में, किसके साथ में करेंगे, ठीक है। तो एक बार आप लोग फिर से पैसा अपना अपना वापस लो, जितना पैसा था, तुम्हारे पास कुछ नहीं था, तुम्हारे पास 110 रुपए था, ठीक है, तुम्हारे पास, मेरे पास 143 था, देखो और ले लो, तुम्हारे पास कितना हुआ, ये लो, ठीक है, आ गया फाइन। तो फाइन हमारा मैन्युफैक्चरर, ठीक है। अब ये 100 रुपए का सामान बनाता है, कितने रुपए का सामान बनाता है, 100, इस पे ये 10% का वैट लेता है। क्या लेता है? अच्छा, एक बात इसमें पहले क्लियर रखिएगा, क्योंकि वैट है तो ये भी यूपी का है, तो फिर ये भी यूपी का है, तो फिर ये भी यूपी का है, तो फिर ये भी यूपी का है। मैं जो अभी आप लोगों को एग्जांपल बता रहा हूं उसमें हमारे सारे भाई कहां के हैं, एक ही स्टेट के रहेंगे, यूपी ले लो, बिहार ले लो, कुछ भी ले लो, इट इज इंट्रा स्टेट सेल। ये सभी लोग क्या करेंगे, इंट्रा मतलब विद इन द स्टेट, इंटर मतलब बिटवीन द स्टेट्स, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, ये सभी इंट्रा स्टेट सेल करेंगे। क्या करेंगे ये सभी, ठीक है। तो आपने सामान बनाया 100 रुपए का, 100 रुपए का सामान बना करके इसको बेचो, 10% का वैट लगाना है, अब सेल्स टैक्स लगाना है, क्या लगाना है, आ जाओ आगे बेचो इसको 110, 10 रुपया दो मुझे, ठीक है, मेरे पास है वैट आ गया। अब आपके पास में 110 रुपए का आपने सामान खरीदा, आपको कितना प्रॉफिट ऐड करना है, 20। अब आप कितना रुपया सामने वाले से लोगे, वैट ऐड किए बिना बोलना, 100 नहीं, ये आप 130 की 120, ध्यान सुनिएगा, आपने सामान कितने खरीदा, 110, इन्होंने सामान कितने खरीदा,
मगर जो इन्होंने 10 रुपया टैक्स के नाम का दिया उसको तो हम आपको अलग से वापस कर ही देंगे ना। आपने अगर 110 रुपए का सामान खरीदा है, 10 रुपया तो हम आपको इनपुट अलग से दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? तो आपके लिए खर्चा 100 रुपया हुआ कि 110 रुपया हुआ? तुम अगर बाजार से कोई सामान खरीद के लेकर के आते हो 110 रुपए का, सरकार कहती है हम तुमको 10 रुपए हम तुमको देंगे खुद, तुम उसके लिए टेंशन मत लेना, तो तुम्हारे लिए खर्चा 100 रुपया हुआ ना कि 110 रुपया हुआ? खर्चा कितना हुआ तुम्हारे लिए? तो तुम्हारे लिए खर्चा कितना हुआ? प्रॉफिट कितना जोड़ना है तुमको? 20 रुपया। सामान की वैल्यू तुम्हारी कितनी हो गई? 120। अब 120 में तुमने यहां पर वैट ऐड किया 10%, 132, 132 रुपीस का सामान बेचोगे। यस ऑब्वियसली 12 रुपए आपका वैट आया, 132 रुपए का सामान आप आगे बेचोगे। आपको याद होगा अगर तो पिछली बार जो सामान इन्होंने इनको बेचा था 143 का बेचा था। अब देख रहे हो वो सामान कितने का पड़ा? 132 का सामान बेचो। अरे ऐसा तुम पैसा दोगे तो कुछ वापस ना करने वाला वो तुमको। 132 का सामान तुमने बेच दिया, ठीक है। अब देखो इस बंदे को मुझे कितना रुपया देना, इसने टैक्स के नाम का पैसा कलेक्ट किया कितना? 12। कितना रुपया इसको टैक्स के नाम का मिला? इसको टैक्स के नाम का पैसा मिला 12। ये पैसा संभाल नहीं पा रहा, इतना पैसा से संभाल नहीं रहा है। किसका? ये 12 रुपया इसने टैक्स के नाम का कलेक्ट किया, ठीक है। अब ये मुझे कितना रुपया कलेक्ट पे करेगा? क्यों 2 रुपए? क्योंकि 10 रुपए इसने पहले से ही टैक्स के नाम का मुझे दे दिया है। ये कहेगा गवर्नमेंट आई हैव पेड यू ओनली ऑलरेडी 10 रुपीस। जो मैंने आपको 10 रुपया फहीम के हाथों भिजवाया था वो आपको मिला कि नहीं मिला? मैं कहूंगा यस मिल गया। अब मुझे उसका इनपुट चाहिए। क्या चाहिए इनको? तो अब ये मुझे सिर्फ कितना रुपया देंगे? 2 रुपया, ठीक है। आप समझ रहे? अल्टीमेटली सरकार को यहाँ पर पैसा कुछ कम मिला, क्योंकि पहले तो ये मुझे ज्यादा पैसा दे रहा था, ठीक है। हम लोग इस बात में भी डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट ने इसको क्यों इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। फिर आगे आपने सामान खरीदा, कितने रुपीस खरीदा? 132। तुम 1 रुपया उसमें से गिरा दिए हो। अब 132 रुपीस का सामान खरीदते हो, तुमको कितना रुपए का प्रॉफिट चाहिए था? 30। अब बिजनेस माइंड से समझ करके बताओ कि तुम आगे सामान कितने का बेचना चाहते हो विदाउट एडिंग वैट? 150। कितने का? 150। कैसे? इन्होंने सामान सर आप 132 का जो खरीदा है उसमें से 12 रुपया तो वैट है। क्या है 12 रुपया? बात समझ में आ रही कि नहीं? 12 रुपया उसमें से वैट है। तो क्योंकि 12 रुपया उसमें से वैट आ गया हमारा, तो 12 रुपए का तो इसको इनपुट मिल ही जाएगा। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ये 12 रुपए को अपना खर्च कंसिडर नहीं करेगा, ये खर्च सिर्फ इतने को कहेगा 120। कितने रुपए को खर्चा कहेगा सर? 120। ये सिर्फ खर्चा कहेगा कि मेरा खर्चा जो है, मेरा जो एक्सपेंस है, दैट इज ओनली एंड ओनली रुपीस 120। बात क्लियर हो रहा है? तो अब इसने प्रॉफिट ऐड किया 30 रुपीस का, सामान कितने का हो गया? अब ये सामान पर 10% का वैट लगाएगा, मतलब 15, और 165 रुपए का वो सामान जो है आगे कंज्यूमर को बेच देगा। तो 165 रुपीस सर आप इनको पे कर दीजिए। क्लियर है? अब ये 165 रुपीस में से आप मेरा हिस्सा मुझे दे दीजिए सर। कितना रुपीस हुआ? 15 रुपए मेरा टैक्स का बनता है। ऑलरेडी ये दे रखे हैं कितना? 12 रुपए। तो अब ये मुझे कितना देगा बंदा? आप मुझे 3 रुपया, चलो इसके पास आई फुट करनी है, इसी 5 रुपए को एक बार हम 3 रुपए कंसिडर कर लिए। कुछ बात समझ में आया यहाँ पर? अब देखो ध्यान से, पहले कंज्यूमर के पास में 190 रुपए का ये सामान पड़ा था, आज की रेट में कंज्यूमर के पास में पैसा पड़ा हुआ है 165। कंज्यूमर को वो सामान सस्ता हुआ, इसने अपना प्रॉफिट पहले भी 30 रुपए कमाया था, आज भी 30 रुपए कमाया। इसने अपना प्रॉफिट पहले भी 20 रुपए कमाया था, आज भी 20 रुपए कमाया। इसको अपने सामान का पहले भी 100 रुपए मिला था, अभी भी 100 रुपया। इसको फायदा हुआ,
नुकसान किसको हुआ? सरकार को पैसा कुछ कम मिला, समझ में आ रहा है कि नहीं? बट वैट को जब गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था, मैं आप लोग को बताऊं कि तब भी इतना ही अपोज हुआ था जितना शायद लोगों ने जीएसटी के समय अपोज किया था। होता क्या है, जैसे आपको अब इनपुट टैक्स रेट लेना है, इनको अब इनपुट टैक्स रेट लेना है तो इनको इनसे बिल मांगना पड़ेगा, और अगर इनको इनपुट टैक्स रेट लें तो फिर इनको इनसे बिल मांगना पड़ेगा, ठीक है? और ये अगर सामान का बिल मांग लेते हैं तो इनको ऑब्वियसली गवर्नमेंट को जीएसटी पे टैक्स वैट पे करना पड़ेगा, तो ये वैट पे करेंगे तो फिर ये बिल जनरेट करेंगे, ये आगे वाले से बिल मांगेंगे, ये आगे वाले से बिल मांगेंगे। इसीलिए ये सारा का सारा जो टैक्स का जो चेन है ना, वो वैट आने से स्टार्ट हो जाएगा। एक्चुअली था क्या, गुड्स पर जब इनपुट टैक्स रेट अलाउ होना स्टार्ट हुआ, तो फिर सरकार ने गुड्स को ट्रेस करना स्टार्ट कर दिया। बट वो ट्रेस सिर्फ कहां तक होता था? विद इन द स्टेट। कहां तक होता था? बस वो मैं समझ में आ रहा कि नहीं? अगर यही चीज हम लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बेचेंगे तो आपका लगता था सेंट्रल सेल्स टैक्स। आपने देखा कि वैट आने के पहले फिर सेल्स टैक्स ही लगता था, उसमें कोई इनपुट टैक्स रेट था ही नहीं। वैट आया, वैट आने के बाद में अभी विद इन द स्टेट वैट लगना स्टार्ट हुआ, मगर बिटवीन द स्टेट सेंट्रल सेल्स टैक्स लगना स्टार्ट हुआ। क्या लगना स्टार्ट हुआ? ठीक है, ये सेंट्रल सेल्स टैक्स में सीएसटी में गवर्नमेंट ने इनपुट क्रेडिट अलाउ नहीं किया। आप लोग कुछ बात समझ रहे हैं? मतलब क्या, अगर ये सारे यूपी के होंगे तो ये इनपुट टैक्स रेट वाली चेन बनी रहेगी, अगर इसमें से एक भी बंदा बिहार का या किसी और स्टेट का अगर हो गया तो फिर वो चेन टूट जाएगा, फिर इनपुट टैक्स रेट अलाउ नहीं होगा। कैसे? जैसे अगर आप सपोज करो ये यूपी के हैं, ये बिहार के हैं, तो अब ये इनको सीएसटी पे करेंगे, सेंट्रल सेल्स टैक्स। क्या चीज पे करेंगे? और उस सेंट्रल सेल्स टैक्स का इनको इनपुट नहीं मिलेगा। तो जब इनपुट नहीं मिलेगा तो फिर आपने देखा कि वो इनके खर्च के रूप में होगा। अब ये मुझे 10 रुपए देंगे ना और कहेंगे कि सर हमने आपको पे किया था टैक्स, आप मुझे उसका इनपुट दीजिए, मैं उसका इनपुट इनको नहीं दूंगा। कुछ बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सबसे बड़ी दिक्कत थी हमारे वैट के आने के बाद। वैट भी इंडिया में उतना ही एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट कहा गया जितना कि जीएसटी कहा गया, समझ में आ रहा है कि नहीं? इनफैक्ट वैट आने के बाद भी दिक्कतें क्या थे कि और भी बहुत सारे जो टैक्सेस पर लगा करते थे वो अभी भी लगते रहते थे, जैसे सर्विस टैक्स। अब मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं, ठीक है, मैं आप लोगों को सर्विसेज देता हूं, मैंने सर्विसेज देने के लिए ये प्रोजेक्टर खरीदा, प्रोजेक्टर पर मैंने आप लोगों को प्रोजेक्टर पर मैंने दुकानदार को वैट पे किया, मैंने आपसे सर्विस टैक्स लिया। अब मैं तो उसको घर में तो इस्तेमाल कर नहीं रहा हूं, मैं तो उसको कोचिंग के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, तो मैं चाहूंगा कि जितना मैंने वैट पे किया है उसका मुझे इनपुट मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? इनपुट। मैंने अगर गवर्नमेंट को 10,000 रुपए का अगर प्रोजेक्टर मैंने खरीदा, उसमें से 1,000 रुपए मैंने उनको वैट के नाम का दिया, मैं आपसे अगर 1,800 रुपए अगर सर्विस टैक्स के नाम का ले रहा हूं, या सपोज करो 2,000 रुपए अगर मैं सर्विस टैक्स के नाम का अगर आपसे ले रहा हूं, तो 1,000 रुपए सरकार जो मैंने वैट के नाम का दिया है उसको आपस में एडजस्ट करने का मौका दे। मगर गवर्नमेंट ये मौका पहले नहीं देती थी, क्योंकि पहले अलग अलग काइंड के टैक्सेस लगते थे जिनमें आपस में इनपुट टैक्स रेट नहीं अलाउ होते थे। अलाउ एक डिमेरिट और समझो, जैसे ये मैन्युफैक्चरर है, आप पता है क्या, ये सामान को जब मैन्युफैक्चर करेगा तो भी एक टैक्स लग जाएगा, एक्साइज ड्यूटी। समझो ध्यान से, जब ये सामान को मैन्युफैक्चर करेगा तो भी एक टैक्स लग जाएगा क्या? अब जब ये सामान को बेचेगा तो सिर्फ ये वैट ही नहीं लगाएगा या सेल्स टैक्स ही नहीं लगाएगा, एक्साइज ड्यूटी भी लगाएगा। दो टैक्सेस लगाएगा, एक्साइज ड्यूटी भी लेगा और अब वैट का। सपोज करो अगर सब यूपी के भी हैं तो वैट का तो क्रेडिट मिलता रहेगा, एक्साइज ड्यूटी का क्रेडिट नहीं मिलेगा। पूछो क्यों? क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर नहीं है। एक्साइज ड्यूटी का क्रेडिट एक्साइज ड्यूटी से, वैट का क्रेडिट वैट से, सीएसटी का कोई क्रेडिट ही नहीं। अब बात समझ रहे हैं कितना बड़ा डिमेरिट है। अब अगर ये बंदा बिहार का है तो ये कभी भी सामान यूपी वाले से खरीदना नहीं चाहेगा। पूछो क्यों? क्योंकि जो ये टैक्स पे करेगा
उसका इनपुट नहीं मिलेगा, और इनपुट नहीं मिलेगा तो उसका सामान महंगा हो जाएगा, जबकि अगर बिहार से सामान खरीदता है तो इसको इनपुट मिल जाएगा। मतलब बैरियर हो गया था विद इन द स्टेट्स, फ्रीली ट्रेड नहीं हो पा रहा था। ठीक है, जीएसटी इन सब बातों का एक सिंपल सा समाधान है। आज हम लोग चाहे इंटर स्टेट सेल करें, चाहे इंटर स्टेट में सर्विसेज दूं, चाहे इंट्रा स्टेट में सेल करूं, इंट्रा स्टेट में सर्विसेज दूं, कुछ भी करूं, सारी चीजों पर क्या लगता है हमारा GST। और ये जीएसटी का हमको फ्रीली इनपुट टैक्स रेट मिलता है। आज मैं ये प्रोजेक्टर खरीदता हूं 10,000 रुपए का, अगर मैं इस प्रोजेक्टर पर 10% का जीएसटी पे करता हूं तो मेरे को ये प्रोजेक्टर 11,000 रुपए का पड़ा, मगर गवर्नमेंट मुझे 1,000 रुपए का इनपुट टैक्स रेट पे कर देगी। कैसे? अब मैं आप लोगों से फीस चार्ज करूंगा। सपोज करो मैंने आपसे अगर 15,000 रुपए के फीस चार्ज किया, उस पर मैंने अगर आपको 16,000 रुपए की अगर फीस मैंने चार्ज किया, तो 16,000 रुपए पर मैंने 10% का जीएसटी लगाया, 1600 रुपए। अब मैं क्या करूंगा, 1600 रुपए में से 1,000 रुपए माइनस कर दूंगा, तो मैं गवर्नमेंट को सिर्फ कितना रुपीज पे करूंगा, 600। आप एक तरीके से बात समझ रहे हैं। पहले ये प्रोजेक्टर पर मुझे फैसिलिटी नहीं मिलती, क्योंकि प्रोजेक्टर पर मैंने दिया होता वैट, मैं आपसे लेता सर्विस टैक्स, दोनों का आपस में इनपुट सेट ऑफ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बट अब ये इनपुट सेट ऑफ होता है। तो जीएसटी सर कितना बड़ा, कितना अच्छा वेलकम चेंज है कि नहीं? मगर ये वेलकम चेंज के साथ में लोग सर फिर इतना अपोज क्यों कर रहे हैं? देखो, अपोजिशन कहां से आएगी, एक बार फिर से समझना। जो लोग अपोज करेंगे, लोगों के कुछ काम बढ़ गए, उनको हर काम पक्के पर करना पड़ेगा, फेयर करना पड़ेगा, ट्रू एंड फेयर करना पड़ेगा। क्योंकि अब आज की डेट में अगर कंज्यूमर अगर मेरे से बिल मांग लेता, अगर इनसे बिल मांग लेता ये कंज्यूमर, तो इनको बिल देना पड़ेगा। अब इनको ये बताना पड़ेगा कि हमने ये सामान कहां से खरीदा। पहले क्योंकि इंटर स्टेट सप्लाई थी, तो ये सामान के बारे में ट्रेस नहीं हो पाता था। अब ये डस्टर, अगर ये इसको बेच रहे हैं, इन्होंने कहा कि मेरे को बिल चाहिए डस्टर का, तो अब ये डस्टर की सेल दिखाएंगे। सरकार इनसे पूछेगी, ये बताओ शुभम, तारे पास डस्टर कहां से है? तो शुभम तुरंत बोलेगा, मैंने रियोम से खरीदा था। तो शुभम तुरंत ही किससे बिल मांगेगा? और रियोम से फिर सरकार पूछेगी, रियोम तुम बताओ तुम्हारे पास सामान कहां से है? फहीम ने बेचा। आप बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो अब सारे ही लोग एक साथ ट्रेस हो जाएंगे। कुछ बात समझ रहे कि नहीं? एक और आप लोगों को मतलब की बात बताऊं। देखिए होता क्या है कि जैसे इन्होंने प्रॉफिट कमाया, इन्होंने भी 100 रुपए का सामान बनाया, ऑब्वियसली प्रॉफिट कमाया। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक तो ये लोग इनडायरेक्ट टैक्स का पैसा सरकार को देंगे ही देंगे, साथ में इनकी इनकम जो हो रही है ना, उसका भी पैसा गवर्नमेंट को मिलना स्टार्ट हो जाएगा। पहले शायद नहीं मिलता, मगर अब वो इनकम टैक्स का भी पैसा गवर्नमेंट को मिलना। जैसे अगर आप लोग देखो तो फिर फाइनली मुझे सिर्फ 15 रुपए का वैट मिला, सॉरी सिर्फ 15 रुपए का जीएसटी मिला है। कितना रुपए का जीएसटी मिला है? मगर आप देखो, 100 रुपए इसने बनाया, 100 रुपए इसकी कमाई थी, 20 रुपए इसने कमाई किया, 30 रुपए इसने कमाई किया, कितनी कमाई हुआ टोटल? 150 रुपए पर अगर मैं कहूं कि 30% का इनकम टैक्स है, 150 रुपए पर 30% का इनकम टैक्स लगा लो, 45 रुपए। ये 45 रुपए गवर्नमेंट को इनकम टैक्स के नाम कभी मिलेगा? तो आपको जो दिखाई दे रहा होगा कि सरकार के पास में इतना ही पैसा आया सिर्फ जीएसटी से, नहीं, इतना पैसा नहीं आएगा, और भी पैसा आएगा। पैसा कहां से आएगा? अभी बात क्लियर है कि नहीं? और पहले क्या होता था, पहले चांसेस ऑफ फ्रॉड, समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि इसने अगर इनसे बिल मांग भी लिया तो ये कहते थे कि मैंने बिल इंटर स्टेट सप्लायर से खरीदा है, मतलब इस स्टेट से खरीदा ही नहीं है, बाहर से खरीदा। अब सरकार पकड़ नहीं पाती थी। अब कोई बाहर का कहीं पर भी रहेगा, अब गवर्नमेंट सबको पकड़ सकती है, पूछेगी किसको। जैसे पहले ये बोलते रियोम को, रियोम बिहारी को, ठीक है, सरकार कहती अच्छा ठीक है कोई होगा बंदा। अब सरकार पूछे किसको, तो ये कहेगा रियोम बिहारी, तो अब रियोम को बुलाया जाएगा, अब रिहां बिहार से। अब ये नहीं बोल सकता कि हम यूपी के, तुम रियोम को तो जानती नहीं हो, छोड़ो क्या करोगे जान करके।
समझ में आ रहा है कि नहीं? अब सरकार कहेगी हम सबको जानते हैं, समझ में आ रहा है? तो अब कोई भी जीएसटी में बच नहीं पाएगा। तो हुआ क्या पता है क्या, जो ईमानदारी से बिजनेस करता था ना उसके लिए तो फिर बेनिफिट है। आज मैं चाहूँ अगर मैं ईमानदारी से बिजनेस करता हूँ तो मेरे लिए प्रोजेक्टर पर जीएसटी पे किया हुआ इनपुट टैक्स रेट के रूप में आएगा, और वो प्रोजेक्टर जो कि पहले मुझे 11,000 रुपये का पड़ता अब सिर्फ 10,000 रुपये का पड़ेगा। कुछ बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये मेरे लिए एक तरीके से बहुत बेनिफिट वाली बात होगी। जिसको टैक्स ज़्यादा दिखाना ही नहीं है, जो कि चोरी करना चाहता है, बहुत कम दिखाना चाहता है, उसके लिए नुकसान हो गया, क्योंकि उसको कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ेगा। जैसे पहले मुझे 1500 रुपये सरकार को देना ही पड़ता, अब मुझे 1500 रुपये नहीं देना है, 500 रुपये देना है। जो 500 रुपये भी नहीं देना चाहता था, अब उसकी जेब से कितना रुपये निकलेगा? कम से कम 500 रुपये तो अरे 1000 रुपये तो इनपुट टैक्स का मिल गया कि नहीं? या सपोज करो कि अगर मैं कुछ भी पहले नहीं दिखाता सरकार को, तो मेरी जेब से पहले कुछ नहीं जाता, अब 1500 रुपया जाना को है, 1000 रुपये का इनपुट है, तो जेब से कितना गया मेरे? तो पहले 1000 अगर मैं भरता तो फिर मेरे लिए 500 रुपया जा रहा है, अगर पहले मैं कुछ नहीं भरता तो फिर अब 500 मतलब जो बेमानी कर रहा है उसके लिए नुकसान, वही हल्ला मचाएगा। वरना जीएसटी बहुत फायदेमंद सौदा था। क्लियर बात समझ में आ रहा है? जीएसटी के बारे में आप लोगों ने बेसिकली बहुत अच्छी एक बात सुनिया, आप लोग ईमानदारी से पैसा रखते हुए किन ले, चलो ये सब ईमानदारी से रखे दिए होंगे। अल्टीमेटली देखो सारा का सारा पैसा सरकार के पास आना ही था। हाँ तो खैर, जीएसटी इतना बड़ा एक हमारी लाइफ मतलब हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एक चेंज था, ठीक है? इससे आपने देखा कि सिर्फ नॉट ओनली गवर्नमेंट्स इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज्ड, बट आल्सो डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू आल्सो इंक्रीज्ड। सरकार का जो टैक्स से जीएसटी से रेवेन्यू आता है वो अब 1,00,000 करोड़ रुपए के भी पार पहुंच गया है, ठीक है? ये एक बेसिक बात बता रहा हूँ। जो अल्टीमेट कंज्यूमर है उसके लिए भी देखो कहीं ना कहीं पर फायदा होगा। जो सामान पहले 190 रुपए का मिल रहा था वो 160 सस्ता हो गया कि नहीं सामान? कुछ बात समझ में आ रहा है? तो बेसिकली ये बेनिफिट हुआ हर किसी को जीएसटी से। क्लियर? हम लोग जीएसटी के बेसिक बातों को समझ चुके हैं। कल हम लोग कुछ थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ेंगे, एंड फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल अकाउंटिंग पोर्शन, ठीक है? आज के लिए इतना काफी, फिर बाकी हम लोग कल कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।